यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवे और अंतिम दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी को कई मुद्दों पर घेरा। अखिलेश यादव ने इस दौरान महंगाई, बिजली, बाढ़, सूखा आदि के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा परिवारवाद को लेकर भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी को आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अखिलेश की नीति और नियत दोनों नहीं है। आप जानते हैं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, ना उनकी नीति है ना नियत है प्रदेश के विकास के बारे में। ये हमेशा हल्ला बोल पार्टी के जो इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ उसको और मजबूती ही करते जब ये लोग सदन में आते हैं। अराजकता फैलाना काम, गुंडई करना, ऐसे लोगों को प्रमोट करना, वो उनके डीएनए में शामिल है। आपको बता दें कि आज सत्र के आखिरी दिन अखिलेश यादव पूरी तरह से यूपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आए। अखिलेश ने आज सदन में महंगाई के साथ आवारा सांड, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा कि हम आए दिन ऐसे वीडियोस देखते हैं जहां कभी कोई बच्चा, कोई महिला या बुजुर्ग को सांड उठाकर पटक देते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने जिले में एक सांड सफारी ही बना दें। वहीं सपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि परिवारवाद की शुरुआत आपने की थी, लोकसभा सदस्य बने, मठ के अध्यक्ष भी बने, हमने देखा गोरखपुर में वीसी का क्या सम्मान है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन से ही सदन में गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां विपक्ष ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर काउंटर किया, तो वहीं सरकार की तरफ से हर सवाल का वाजिब जवाब पलटवार के साथ दिया गया। बहरहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।